नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित गुप्ता मेडलिंग हॉस्पिटल पटियाला से आज पल्मोनरी हाइपरटेंशन डे के उपलक्ष्य में आपके साथ कुछ विचार साझा करना चाहता हूं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन एक समस्या है जिसमें के हार्ट के राइट साइड का प्रेशर बढ़ जाता है। ये राइट साइड का प्रेशर बढ़ता है अगर कोई हार्ट की या लंग्स की कोई प्रॉब्लम हो। मैं मुख्यतः आपसे लंग्स की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। लंग्स में कोई भी लॉन्ग टर्म समस्या हो, जैसे कि दमा जो कि बहुत ही लंबे समय से चल रहा हो, कोई सिगरेट संबंधी बीमारी जैसे को सीओपीडी या एम्फिसिमा कहते हैं, आईएलडी इंटरस्टीशियल लंग डिजीज जो उसमें के फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, अथवा कोई भी ऐसी बीमारी जिससे के फेफड़े क्षतिग्रस्त होते हैं, उसके कारण हार्ट के राइट साइड और लंग्स के अंदर ब्लड वेसल्स जो होते हैं उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। इस समस्या का निदान बहुत ही आसान है। हमको इसके लिए जानकारी होनी चाहिए कि इसको डायग्नोसिस कैसे करें। इसके लिए आपको कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट जो कि इकोकार्डियोग्राफी करता है वो बता सकता है कि आपके राइट साइड हार्ट का प्रेशर बढ़ा हुआ है और लेफ्ट साइड का प्रेशर बढ़ भी सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। अगर मुख्यतः राइट साइड का प्रेशर बढ़ा हुआ है तो और अगर अंडरलाइन लंग्स की प्रॉब्लम है तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने के चांसेस हो जाते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट करने के लिए हमको जो लंग्स की प्रॉब्लम है जो कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन को पैदा कर रही है, उसको समस्या को खत्म करना पड़ेगा या उसका निदान करना पड़ेगा। उसके अलावा कई पेशेंट्स को ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ सकती है और ऑक्सीजन लगा के हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन को कम कर सकते हैं। इसके लिए मुख्यतः कुछ दवाइयां भी आती हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी पल्मोनरी हाइपरटेंशन कितनी सीवियर है, उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन को शुरू कर सकते हैं।